तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज है हमारे पास एसर का लैपटॉप, जिसको हम अनबॉक्स करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू देंगे, बाकी हम इसको यूज़ कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपको अच्छे से रिव्यू देंगे। और ये हमारे पास कोई रिव्यू के लिए प्रोडक्ट नहीं आया हुआ है, ये आया हुआ है मेरे पैसों से। तो मैं इसे खरीद के लाया हूँ यूज़ के लिए। थोड़ी सी काम बढ़ गए थे जो कि फ़ोन में नहीं हो पा रहा था, तो हमें ज़रूरत पड़ गई ख़रीदने के लिए। और जैसा कि पता है मेरे पास कैमरा भी है, तो लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना लैपटॉप के कैमरा का जो प्रोसेस होता है ना, वीडियो एडिटिंग, वो हो नहीं पाती है। तो ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है वैसे तो, नॉर्मल के लिए है, जो स्टूडेंट के लिए होती है, ऑफिस वर्क के लिए, लेकिन हमने लिया है थोड़ा सा काम चलाने के लिए। बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लोग बड़ा वाला भी ले लेंगे, और एक बड़ा सा इधर CPU लगाएंगे और लेंगे बड़ा वाला मॉनिटर, उसके बाद हम लोग गेमिंग भी करेंगे। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कंपनी वालों ने लिख के दिए हैं फोकस, और उसके बाद मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो। ये है स्विफ्ट 3 एसर का, और इसके अंदर है i5 10th जनरेशन प्रोसेसर, और इसके अंदर है 14 इंच की स्क्रीन जो कि IPS फुल LED डिस्प्ले है, 8GB की रैम है DDR4 वाली, और इसको हमें कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता है, तो इसके अंदर इंटेल का ही ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। तो और इसमें 512GB NVMe SSD जो कि बहुत ही फास्ट काम करता है, आप लोगों को पता ही है। और इसके अंदर है 4 सेल 48 वाट की लाइलैंड बैटरी, तो इसमें MS ऑफिस भी है Adobe का, 1 महीने के लिए ट्रायल वर्जन के लिए, तो अगर हमें फुल लेना पड़ेगा तो ख़रीदना ही पड़ेगा। इधर लिखा गया है मास्टर योर प्ले, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बॉस को हम इस चाकू से खोलेंगे जिससे हम सब्जी काटते हैं। लैपटॉप की सील कट चुकी है, हमको अब फटाफट से अनबॉक्स करना है, तो हम इसे बॉक्स में निकाल। ऐसे खुल जाता है, ये मैं ही नहीं दिख रहा हूँ। तो ये है हमारा लैपटॉप जो इसके अंदर है, और इसके अंदर थर्माकोल है जो कि इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो हमें नीचे कुछ मिलता है, ये यूजर मैनुअल गाइड जो कि कोई पढ़ता नहीं है, वारंटी कार्ड बस यही है इसके अंदर, तो साइड में इसको भी रख देते हैं। तो बॉक्स के अंदर बहुत ही छोटा चार्जर मिलता है हमें, ये है 45 वाट का, जो कि आपका लैपटॉप 2 घंटे में फुल चार्ज कर देगा, मेरे हिसाब से 2 घंटे आसपास लगने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा छोटा है यार, देखो मतलब लैपटॉप की वजन है 1.8 kg, और चार्जर जो कितना छोटा है, जो कि ट्रेवलिंग के लिए अच्छा है, आप इसे हमेशा साथ में लेके घूम सकते हो। तो दुल्हन घूंघट उतरवाने के लिए रेडी है, हम इसका घूंघट निकालेंगे और इसको आपके सामने रख देंगे। इससे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी घर में दुल्हन आती है तो जब भी उसका घूंघट देखा जाता है, मुँह दिखाई की रस्म की जाती है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक प्यारा सा लाइक, और आप कमेंट करो कि क्या हमने सही डिसीजन लिया इस लैपटॉप को लेके। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें 8GB की रैम है जो कि अपग्रेडेबल नहीं है, मतलब जब भी हम यूज़ करेंगे, जब तक यूज़ करना चाहेंगे, केवल 8GB ही यूज़ कर पाएंगे। SSD है जो कि 1TB तक हम इसे अपडेट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अब इसको निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पे एक दुल्हन निकल चुकी है, दूसरी बात दुल्हन को एक और रैप दिया गया है, मतलब ये लो पन्नी भी हमने निकाल दी, और वाओ लुक एट दैट, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार। देखो इधर से देखो, क्लोजअप में देखो, एकदम मस्त। पीछे की बात करें तो यहाँ पे विंड दिए गए हैं हवा निकलने के लिए। इस सेट में देखने को मिलता है यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट, HDMI पोर्ट, यहाँ पे 2 USB पोर्ट मिलता है, यह टाइप सी, और ये हमें मिल जाता है कॉम्बो ईयरफोन जैक। दूसरे साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें कार्ड रीडर मिल जाता है, जो कि छोटा बड़ा दोनों लग जाएगा, एक USB। लैपटॉप को अब हमें करना है ओपन कुछ इस तरह से, हम जब इसको खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक और रैप मिल जाता है, इसको भी हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, क्या लिखा गया है इसमें पता नहीं, क्या चाइना में लिखा गया है मस्ट रीड इंग्लिश, पता नहीं क्या। तो लैपटॉप को ओपन करते ही हमें देखने को मिलता है यहाँ पे फुल HD जो कि लिखा गया है नैरो बेजल, दूसरा यहाँ पे लिखा गया IPS वाइड व्यू एंगल जो कि 178 डिग्री तक खुल जाता है यहाँ तक, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि लॉन्ग बैटरी लाइफ। अगली चीज़ यहाँ पे वाईफाई, जिसमें लिखा गया है कि अल्ट्रा फास्ट, यहाँ पे लिखा गया HDMI पोर्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि हमने रिव्यू में देखा पड़ा है उस हिसाब से ये
ठीक ठाक ही काम कर लेता है। यहाँ पे हमारा टच पैड कीबोर्ड है, यहाँ पे बैकलिट कीबोर्ड दी गई है, और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ, इंटेल कोर i5 10 जनरेशन का लोगो लगा हुआ है। यहाँ से भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से हमारा लैपटॉप दिखता है, और बहुत ही अच्छी बात है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे हमें दो स्पीकर मिल जाते हैं, एक इस साइड, बाकी पीछे। और भी ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके। बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर, मैंने सब कुछ बता दिया है। और हाँ, इसको हम अभी सेटअप कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। तो पहली बार हमारा लैपटॉप चालू होते हुए आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से विंडोज प्री इंस्टॉलर आता है, विंडोज 10 होम, कोई बात है नहीं ज़्यादा, बस हमें थोड़ा बहुत सेटअप करना रहता है, उसके बाद आप चलाओ यूज करो। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया कि आप इंग्लिश यूज करोगे या फिर अरबी, तो हमने इसे सऊदी अरब में लिया है, तो हम क्या करेंगे इसमें इंग्लिश ही लेंगे, यहाँ से यस कर देंगे इंग्लिश। चार्ज इसमें बहुत ही कम, एकदम चालू ही नहीं हो रहा था, हमने चार्जिंग में लगा के जस्ट हमसे रहा नहीं गया, तो हमने यहाँ पे सेटअप किया। साउंड भी अच्छा ही है, मतलब साउंड क्वालिटी भी अच्छा ही दिख रहा है, जैसे इतना ज्यादा लाउड नहीं है मेरे ख्याल से। Just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to Saudi Arabia. Is that right? आवाज देख रहे हो, आवाज तो मुझे ठीक ही लगा, उतना ज्यादा लाउड भी नहीं है और कम भी नहीं है, मतलब मैंने फुल किया था फिर भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है, और इसने मेरा आवाज़ सुनने भी लगी, इसमें मेन मिल माइक्रोफोन भी मिल जाता है, तो कुछ इस तरह से है। तो वहाँ पे हम रीजन इंडिया सेट करेंगे, क्योंकि हमें इंडिया में यूज करना है। नोटिस किया हमारे लैपटॉप में सबसे पहले अगर कोई आया है तो यहाँ पे केजरीवाल आया है, देखो केजरीवाल क्या बात है। तो लैपटॉप की सारी सेटिंग हमने कर दिया, लेकिन एक चीज मैंने बहुत ही अच्छी चीज नोटिस की, यहाँ पे बैक पैनल पे जो है यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो इसकी मैन्युफैक्चर जो डेट है ये है 21/4/2020 की, तो आप समझ ही सकते हो ये मतलब दो महीने पहले, आज के करीब दो महीना पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो ये लेटेस्ट वाला है, इसमें i5 लगा हुआ है 10 जनरेशन का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो इसमें एक चीज़ में जो कमी लगी वो 8GB की रैम है, जिसे अपग्रेड नहीं कर सकते, बाकी इसमें 512GB लगी है SSD NVMe 2.0, जो कि बहुत ही फास्ट है, इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं 1TB तक, तो ये अच्छी बात। तो फाइनली लैपटॉप की मैंने सारी सेटिंग कर दी, इसको ऑन किया, उसके बाद मैंने 7-8 घंटे यूज़ भी किया, तो बैटरी बैकअप इसका बहुत ही अच्छा है, 4 सेल बैटरी है, जो कि अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हो तो 7 से 8 घंटा चल जाएगा नॉर्मल काम करते हो तो। बाकी इसमें जो फ़ैन है उसकी एकदम साइलेंट आवाज़ है, मतलब हल्ला नहीं करता है फ़ैन, एकदम साइलेंट चलता है, स्मूथ है, बाकी सब कुछ अच्छा ही है इसमें। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पीछे अगर दिखाऊँ तो जो ये सब लिखा हुआ है ना पीछे, तो ये है 21/4/2020 की मैन्युफैक्चरिंग, जो कि अगर आज से कंपेयर करें तो दो महीना पहले ये मैन्युफैक्चर हुआ था। बाकी यहाँ पे बैकलिट कीबोर्ड है, सब कुछ अच्छा है, फिंगरप्रिंट भी अच्छे से काम कर लेता है, यहाँ पे जो टच पैड है वो भी अच्छे से काम कर लेता है, और परफॉर्मेंस मुझे अच्छा ही लगा, बैटरी बैकअप भी अच्छी है। तो अगर आप चाहते हो इसे ख़रीदना तो अभी इंडिया में शायद ना मिले, क्योंकि ये लेटेस्ट वाला है, तो आप बाद में खरीद सकते हो जब भी लॉकडाउन के बाद आएगा। इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे कि रैम हम अपग्रेड नहीं कर सकते, मैंने थोड़ा बहुत गेमिंग खेला है तो अच्छी है, लो सेटिंग पे आप अच्छा खासा गेम भी खेल सकते हो, बाकी यही है। और मैं इसे जब कुछ दिन यूज़ कर लूँगा तो आपको फुल रिव्यू इसका दे दूँगा, अभी तक तो यही है। स्क्रीन की लाइट वाइट भी ठीक है एकदम, मतलब ब्राइटनेस भी अच्छी है, 100 पे अगर मैं इसमें कुछ काम कर रहा था तो मेरी लाइट आँखें जो है ना वो उतना लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो मैं इसमें लाइट कम करके ही जितना भी यूज़ किया हूँ। तो ये सब सेटिंग है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप को ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करना, इतना ज़्यादा खर्चा किया हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि यार हम लोग और आगे बढ़ सकें, और ऐसे ही हम लोग सपोर्ट करते रहो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, गुड बाय। अरे यार
बैटरी भी डाउन हो गई कैमरे की,